very big fan of music, but 9 years back I heard a girl singing in ragging session. Seems like
to set you free. She was scared, she was shy, she was confused. There was a mix of reactions and I can sense it. Definitely there was a lot of chance of saying no because काफी time से हम बात कर रहे थे तो but still that moment was like very special. Phone पे बात हो रही थी और suddenly पहली statement मेरी थी. मैंने इसको बोला था कि कहीं ना कहीं मैं भी सुनना चाहती थी actually. To be honest, तो मैंने बोला कि ना मेरी साइड से कुछ है और ना तुम्हारी साइड से है मतलब हम दोनों कुछ बोल नहीं रहे हैं बट हमें पता है कि क्या है वो क्या है तो ये मैंने इसको बोला था ये मेरा कभी नाम नहीं लेता था हमेशा ना मिस करके बात करता था मिस बठिंडा धीरे धीरे वो बठिंडा हट गया मिस रह गया तो उसने वो बोला कि लुक मिस लाइक आई लाइक यू एंड आई लव यू और कुछ सुनना है तो मेरा कोई रिएक्शन ही नहीं था मैं जो कभी हो ही नहीं था ऐसा कुछ तो मैं बिल्कुल साइलेंट मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ तो सबसे कंफर्टेबल बात थी वो ये थी कि उसने को बोला कि यू नो ने आपको से एनीथिंग एंड ऐसे हो जैसे हो जिस दिन लगेगा कि हाँ यही है उस दिन आप set you free. Whoa, whoa, whoa. Set you free. I still remember one day it was in the college. 2 weeks ke liye main college se ja raha tha because I was not well. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि अगर I was not close to her, but कुछ ऐसा लगा कि अगर by chance Shelly ने phone किया किसी friend को या किसी से मेरे बारे में पूछा, then just to have a backup, मैंने सबको अपना सबको सारे friends का phone number दिया कि अगर Shelly phone करे तो सबको ये phone number उसको दे देना. बहुत फनी सा है बट उसके बाद मैं घर पे आया आई वॉज लाइक एवरी डे आई वॉज लाइक वेटिंग फॉर हर कॉल कि क्या पता आज उसने पूछा होगा आज उसने पूछा होगा किसी से कि हाँ सच है कि वो कोई लड़का था जो शायद पूछे मेरे बारे में की होनी नहीं चाहिए बट मेरी थी
शुरू से ऐसा लग रहा था कि ना वो जैसे बचपन में नानियाँ सुनाती थी घोड़े पर बैठ के कोई आ रहा है कोई जा रहा है कुछ इस तरह की, बट ऐसा घोड़े पर तो नहीं, बट मेरे को ये होता था कि मैं पापा की प्रिंसेस थी तो मेरे को शुरू से था कि मेरे को ना नेक्स्ट घर में जाकर कोई डांट देना, कोई कुछ बोल लेना और मैं जो कहता हूँ वो हो जाए। As a person, she is more of a fairy tale person. उसके पास हमेशा कहानियाँ होती हैं कि सचेत अगर हमारा एक घर एक क्लिफ पे हो, कोई भी ना हो तो कैसा हो, यू नो लाइक मूवीज देख देख के वो बहुत fairy tale टाइप ऑफ पर्सन है। एंड आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन कि मैं इन बातों में मतलब मेरे को बहुत ऑड सा लगता है कि यार जब ऐसा हो ही नहीं सकता तो उस बारे में क्यों सोचें। आई थिंक दिस इज़ रियली वेरी गुड कि एक बहुत इनवर्स सा रिलेशनशिप है कि वो बिल्कुल फेरी टेल टाइप सोचती है, मैं बहुत प्रैक्टिकल सोचता हूँ एंड वी फाइट ओवर इट, नॉट अ फाइट बट बहुत अच्छी डिस्कशन होती है। सी एवरी वन इज सो स्पेशल इन योर ओन वे, बट अबाउट शेली आई वुड से शी इज़ वेरी इनोसेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लाइक शी इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। आई मीन कुछ ऐसी चीज मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो छुपा कर या दबा कर अपने अंदर रखी रही कि हाँ मतलब मेरे को लेकर या किसी को भी लेकर, शी इज़ वेरी ओपन, शी इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट। आफ्टर जब इंटर्नशिप भी हो गई, मैं अपने घर थी, अपने घर था, तो उसका न्यूजीलैंड जाने का बन गया। और जाने से पहले ही वॉज मोर कीन कि मैं जो है रोका करा के जाऊँ, पता नहीं मेरे पे कम भरोसा था या कह लो इसको ज़्यादा प्यार था, तो फिर ये रोका हुआ हमारा एंड देन चला गया। पर जो रहना था वो डिफ़िकल्ट भी था और ठीक भी था। Special thing about Shelly, I think मैंने Shelly को पहली बार मिला था, उसके थोड़ा क्लोज आए, थोड़ी फैमिलीज के बारे में बात हुई, उससे लगा कि I'm very close to my family, I'm very close to my mom, dad, my brother, very close.
कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता था कि इफ आई सी हर एज एज माय पार्टनर आई डोंट वांट टू गेट फार अवे फ्रॉम माय पेरेंट्स क्योंकि एक ऐसी एक होता है कि यू नो वंस यू गेट मैरिड यू आर ब्रिंगिंग योर इमीडिएट फैमिली लाइक योर वाइफ इनटू योर लाइफ I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Hey! I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong to you. So, further the exams se celebrate nahi kiya, nikal gaya. Uske baad January mein maine apna friends ke sath birthday manaya to pata nahi kyun maine isko jaake bol diya ki main apna birthday mana lu aur tumne aana ho raha hai. Main birthday mana lu wapas itna hi bola. So, somehow he wanted me to invite him. मेरे को आगे कहता है कि फिर मुझे भी बुलाएगी. मैंने कहा तो फिर मैं अपने दोस्त भी ले आऊँगी. तो वो जो हमारा एट का दोस्त है उन सबको लेके वहाँ एक रेस्टोरेंट शाम को मिलता था सुबह आ गए. तो कुछ कुछ रीज़न की वजह से मुझे मना रहा था जो मैं मान भी रही थी लेकिन कह नहीं रही थी और ये सुनना चाहता था. तो इसने क्या किया, मैंने एक रिंग पहनी हुई थी, उसने रिंग निकाली पकड़ के बैठा था. उसके बाद वो अंडर द टेबल हो रहा था कि लोगों को पता ना चले. वो हाथ पकड़ा रिंग निकाल के बैठा रहा, खेलता रहा रिंग के साथ. थोड़ी देर बाद हाथ पकड़ा रिंग पर आ गई और सबको बोलता तालियां बजाओ. तो सबको लगा कि शायद बर्थडे की वजह से तालियां बज रही हैं, लेकिन वो तालियों में किसी और चीज़ को बताई थी. केक बनाया था एक बार मैंने, बड़ी टेस्टी थी उस केक की. एक तो पता नहीं बिना क्रीम के केक नहीं खाना. नॉर्मल केक दे दो तो उसको मीठी ब्रेड बोलता है. I was like literally dreaming कि अच्छे अच्छे बेकरी के केक सोच के बिल्कुल ऐसे ना आइसिंग करके. She said like did you do the icing? She said yeah बिल्कुल ऐसा बना जैसे बाहर बनता है जैसे हम काटते हैं. She said यार तो अच्छा लगेगा कि आप यू नो कि केक खाने को मिलेगा बाहर. First time में मुझे icing नहीं आती थी actually, मैंने झूठ बोला था. वो मेरी गलती थी. Literally उसने केक बनाया और 40-45 मिनट्स के बाद केक लेकर आई और it was like this much of bread और उसके ऊपर अमूल की क्रीम डालकर जस्ट लाइक पैकेट को खोल के और अमूल की क्रीम ये केक है. कहती हाँ ऐसे तो होता है केक. मैंने कहा तू तो कहती कि बिल्कुल प्रॉपर जैसे केक बनता है प्रॉपर जो बेकरी के अंदर होता है. तो लाइक नहीं ऐसे ही होता है केक को. एंड आई जस्ट हैड अ लिटिल बिट फॉर लाइक लिटिल वेरी हार्ड वेरी हार्ड एंड शी वाज लाइक ऑब्वियसली आई कांट ईट द होल थिंग. ये पता नहीं क्यों कहता है कि वो हार्ड नहीं था. यार ऐसा तो नहीं होता है. एंड शी हैड अ बिग फ्रेंड. शी सेड ऐसे तो केक होता है तुम्हें तो तारीफ करनी भी नहीं आती. ऐसा नहीं है जो मैं बनाता हूँ तुम्हें तो पसंद नहीं आता, कोई और बनाएगा तो तुम्हें पसंद आता है. एंड देन ही हैड अ लाइक बिग साइड. मेरे को कहता है कि केक मैंने बेक कर दिया. उसके बाद बोलता है कि इसको आइसिंग तो था, ये तो मीठी ब्रेड है. अब मुझे पता नहीं थी आइसिंग कैसे करनी है. मैंने नॉर्मल अमूल की क्रीम मिठाई उसको फेंटा डाल दिया. कहते ये कहने लगे केक खा ले. कहते ये तो केक है. मैंने कहा केक है. तो बस ऐसे ही थोड़ी पैसा वैसे कि तुम्हें मेरी चीज़ शुरू से ही मम्मी पापा भी बहुत क्लोज था. कभी पापा के साथ या मम्मी के साथ इतना फॉर्मल रिलेशनशिप था ही नहीं कि पापा से बात करनी तो हाँ पापा, मम्मी से बात करनी हाँ मम्मी. तो बहुत ऐसे कैजुअल सा, मम्मी भी नहीं हाँ हाँ माँ हाँ पापा ऐसे करके बात होती थी. बहुत कैजुअल सा होता था. तो मम्मी कई बार मजाक में बोलती थी कि उठिए कभी सुबह पैर तो छू लिया कर. तो मजाक में बोलता था कि पैर छुवाने वाले लायक तो बनो, इतने कि आप पैर छुए जाए. लाइक लाइक जस्ट बहुत फनी सा होता था. और फिर मामा मामी हो गए, सारी मासियाँ हो गई,
तो सब मामा भी ऐसे ऑलमोस्ट सेम एज तो नहीं बट मतलब चार पाँच साल बड़ा ही था मामा तो सेम एज का ही था तो अभी मामा के बीच में और मास्टर के साथ थोड़ा जैसे हमेशा दीदी ये दीदी वो दीदी दीदी करके बात हो गई तो कभी इतना फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं था कि नहीं जी जाके पैर छूने तो अभी जब शादी का टाइम आया तो शादी एकदम से कि वो सचित तो सचित तो पैर छूनेगा सर सबके इसलिए जब अभी शादी हुई तो सारे धक्का मार के कहते थे नहीं 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 पैर छू तो एक एक बार क्या चार चार बार सबके पैर छू आते थे नहीं इसके भी छू जो छोटा होता था उसके भी छू जो बड़ा है तो उसके तो छू ही छू मेरा रिलेशनशिप मेरे मॉम डैड के साथ मैं इतना ही कह सकती हूँ मैं डिस्क्राइब करने बैठूँगी तो शायद वो ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा इन शॉर्ट आई एम पापाज प्राइड मम्मा डिलाइट एंड ऑनर टू बी वो मेरे ख्याल से उसको मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है वो मैं नहीं भी बोलूँगी तो वो सब समझता है मेरा एक नोनू बोलना ही उसके लिए काफ़ी है उसको पता होता है मैं कौन से टाइम पे किस एक्सेंट में क्या बोल रही हूँ अगर मैं उसको ये भी कहूँगी ना देखो पता है ना तो वो बोले ना पता है और उसको एक्चुअली पता होता है कि मैं किस टाइम पे क्या मीन कर रही हूँ अगर वो लड़ाई भी है तो उसको पता है कि मेरे को कहाँ पर गुस्सा है मैं शो नहीं करूँगी मैं मेरा एक्सेंट भी चेंज नहीं होएगा बट वो बस वो नोनू सचित में चेंज हो जाता है आपको सचित नोनू में चेंज हो जाता है समझ आ जाता है मेरे को नहीं लगता मुझे कुछ अलग से उसको कहने की जरूरत है एक्सेप्ट करने के लिए मैं जैसा भी हूँ आई डोंट नो हु डिजर्व हु इज बेटर आई डोंट नो बट आई डोंट नो जब भी मैं शैली के साथ होता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ ऑल द क्रेडिट गोज़ टू शैली कि वो इतना प्यार करती है इतना इतना आपको फील कराती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आई एम द बेस्ट Thank you.
thanks for being so understanding. With you, Shelly, 9 years was like just like 9 seconds. Just would like to tell you that you are my better half, and thanks for completing. And every time when I'm with you, it makes me feel like I'm starting the same love story again. I look